हमारे चैनल ज्ञान विशेष को सब्सक्राइब करो और सबसे पहले वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबाइए। नमस्कार दोस्तों, मैं ईश्वर सोलंकी और आप देख रहे हैं ज्ञान विशेष। एक सदाबहार का पौधा ही काफी है कैंसर, शुगर और ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों से बचने के लिए। दोस्तों, ये पौधा हमारे आसपास में ही पाया जाता है, लेकिन इसके गुणों को न जानने की वजह से, इसके फायदे न जानने की वजह से हम इसे खपतवार की श्रेणी में डाल देते हैं। यह साधारण सा दिखने वाला पौधा ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और कैंसर जैसी बीमारियों को दूर कर देता है। इसका रोजाना सेवन करते रहने से बुढ़ापा पास नहीं आएगा, चेहरे पर आ जाएगा निखार, बाल होंगे घने और काले। इसके फायदे अनगिनत है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि सदाबहार का यह पौधा हमारी सेहत के लिए कितना फायदेमंद है। आइए जानते हैं इसके प्रयोग के बारे में। सदाबहार औषधीय गुणों का भंडार है। विकसित देशों के वैज्ञानिकों की शोध से पता चला है कि सदाबहार की झाड़ी में रक्तचाप को कंट्रोल में करने वाले क्षार की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। सदाबहार के 2 से 3 पत्ते सुबह उठकर खाली पेट चबाएं या इसका काढ़ा बनाकर नित्य इसका सेवन करें। कुछ दिनों तक निरंतर इसका सेवन करने से उच्च रक्तचाप कंट्रोल में आ जाता है। इसके अलावा सदाबहार खांसी, गले की खराश और फेफड़ों के संक्रमण को रोकने में बहुत लाभकारी है। दोस्तों, यह मधुमेह को दूर करने में विशेष रूप से लाभकारी होती है। वैज्ञानिकों का ऐसा कहना है कि सदाबहार के पौधे में दर्जनों ऐसे क्षार पाए जाते हैं जो रक्त में शर्करा की मात्रा को कम करता है। सदाबहार की 3 से 4 कोमल पत्तियां चबाकर खाने से मधुमेह में लाभ मिलता है। इसके अलावा 1 कप गर्म पानी में 3 से 4 सदाबहार के गुलाबी फूल भिगोकर 5 मिनट तक रखें और यह पानी सुबह उठकर खाली पेट छान कर पी जाए। ऐसा लगातार 8 से 10 दिनों तक करने से मधुमेह नियंत्रण में आ जाता है। इसके अलावा केंद्रीय औषधीय एवं सुगंध पौधा संस्थान द्वारा की गई एक खोज से पता चला है कि सदाबहार की पत्तियों में विनिकस्टिन नामक क्षारीय पदार्थ मौजूद होता है जो कैंसर, विशेषकर रक्त कैंसर में बहुत लाभकारी होता है। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो रोग बढ़ने के बाद ही पता चलता है। ऐसी स्थिति में सर्जरी के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। सदाबहार की पत्तियों कैंसर रोधी होती है। ये रोग को बढ़ाने वाली कोशिकाओं के विकास को रोक देती है, साथ ही क्षतिग्रस्त हुई कोशिकाओं को सेहतमंद बना देती है। यदि कैंसर के पहले स्टेज का पता चलते ही तुरंत इसका सेवन करना शुरू कर दे तो रोग आगे बढ़ने की आशंका कम हो जाती है। यदि दूसरे स्टेज के मरीज इसका प्रयोग करते हैं तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है और इसके जीवित रहने की संभावना काफी बढ़ जाती है। कैंसर रोग में इसकी पत्तियों के रस का नियमित सेवन करना चाहिए। इसके अलावा इसकी 3 से 4 पत्तियों का काढ़ा बनाकर इसका सेवन किया जा सकता है। दोस्तों, सफेद फूल वाली सदाबहार को ज्यादा प्रभावशाली माना गया है, लेकिन इसके विकल्प में गुलाबी फूल वाली सदाबहार भी कारगर होती है। मधुमेह के रोग में गुलाबी फूल वाली सदाबहार ज्यादा लाभकारी है। सदाबहार की पत्तियों का रस मधुमक्खी या ततैया के डंक मारने वाले स्थान पर लगाने से जल्दी से आराम मिल जाता है। इसकी पत्तियों को कूटकर घाव पर लगाने से घाव जल्दी से भर जाता है। इसके अलावा इसकी पत्तियों को पीछकर मुहासे पर दिन में 2 से 3 बार लगाए तो मुहासे जल्दी से ठीक हो जाता है। सदाबहार के इस विशेष गुणों की वजह से ही दुनिया में आज इसे संजीवनी बूटी से जानने लगे है। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आज की ये जानकारी आपके जीवन में लाभकारी सिद्ध हो। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अभी सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ये वीडियो उन लोगों तक पहुंच सके जिनको इसकी ज़रूरत है। धन्यवाद।